बहुत सारे कैंडिडेट का क्वेश्चन था कि सर प्लीज बताइए स्किल टेस्ट क्या होता है, प्रैक्टिकल टेस्ट क्या होता है या ट्रेड टेस्ट क्या होता है। तो बहुत ही आप लोग का सवाल आ रहा था और इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये चीज़ क्या होती है जो अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा लिया जाता है, जैसे कि DRDO, ISRO, NPCIL, BARC या कोई भी डिपार्टमेंट जो रिक्रूटमेंट आती है IT स्टूडेंट्स के लिए। तो वो आप लोग का जो सेकेंड स्टेज होता है, जो रिटन टेस्ट के बाद होता है, तो उसमें क्या होता है। तो मैं ऑलरेडी दो स्किल टेस्ट दे चुका हूँ, एक बार का दिया था और एक NPCIL का दिया था, तो मुझे अच्छे से पता है क्या लिया जाता है। और मैं एक दो साल पहले ही दिया था, तो उस समय क्या लिया गया था मैं वो भी बताऊंगा। तो बस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को स्किल टेस्ट या प्रैक्टिकल टेस्ट या जो भी नाम इसको दिया जाता है, सभी एक ही चीज़ है। जो भी आप लोग अलग अलग पार्टिसिपेंट में अलग अलग नाम देखते हैं, कहीं कहीं पे बोलता है स्किल टेस्ट, कहीं कहीं पे प्रैक्टिकल या कहीं कहीं पे ट्रेड टेस्ट, जो भी नाम दिया जाता है सभी एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं है इन सभी में। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को इस पे सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ देर का वीडियो है, बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं सभी को बोलूंगा कि यार आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, सब्सक्राइब करने में आप लोग को क्या जाता है, बस वीडियो देख के आते हैं चले जाते हैं, नीचे तो रेड कलर से लिख कर आ रहा होगा, बस इसको प्रेस तो करना ही रहता है, बस प्रेस कर दीजिए तो भाई का भी हेल्प हो जाएगा। तो प्लीज प्रेस कर दीजिए, नीचे रेड कलर से लिख कर आ रहा हो, जैसे हो बस प्रेस हो जाना चाहिए। और हम लोग का एक स्पेशल वेबसाइट भी रन करता है, तो गूगल में आप लोग को सर्च कर लेना है www.itEducation.com या क्रोम में सर्च कर लीजिए, जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो देखिए नॉर्मली जो आप लोग का स्किल टेस्ट लिया जाता है, कुछ कुछ डिपार्टमेंट का मैं नाम आप लोग को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोग का BARC हो गया या आप लोग का NPCIL हो गया या आप लोग का DRDO हो गया या ISRO हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट स्किल टेस्ट आप लोग का लेती है। तो देखिए स्किल टेस्ट बेसिकली आप लोग का क्या होता है, यानी कि वहाँ पे आप लोग को प्रैक्टिकल करना पड़ता है। देखिए सभी डिपार्टमेंट में अलग अलग द्वारा अलग अलग तरीके से स्किल टेस्ट लिया जाता है। नॉर्मली आप लोग स्किल टेस्ट से घबराएं नहीं, ये बेसिकली आप लोग को सब डिपार्टमेंट में अलग अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊँ, जैसे कहीं कहीं पर आप लोग को क्या होगा कि टूल्स रख देगा, मान लेते हैं कि जो आप ट्रेड से ITI किए हैं उसी ट्रेड से आप लोग को पूछा जाएगा। जैसे मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से ITI किया है, तो कहीं कहीं पे कोई कोई डिपार्टमेंट में आप लोग का एक टेबल पे टूल्स रख देगा, टूल्स के बारे में आप लोग को पूछेगा कि ये टूल्स कौन सा है, इसका नाम क्या है, इसके बारे में आप लोग बताइए ये किस तरीके से वर्क करता है, इसका हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो ये पूछता है। अगर नॉर्मली हल्का स्किल टेस्ट हुआ तो ये है, कोई कोई डिपार्टमेंट में जैसे कि BARC हो गया, ये सभी डिपार्टमेंट में जैसे कि मैं दिया था, कहीं कहीं पर हार्ड भी आता है। जैसे कि क्या होगा कि आप लोग को कुछ टाइमिंग दिया जाएगा पेपर पे, आप लोग को पहले एक तो लिखना होगा, कुछ टाइम दिया जाएगा, जो भी प्रैक्टिकल है दो तीन प्रैक्टिकल, तो उसके बारे में लिखिए कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, वर्किंग प्रोसीजर क्या है, फिर आपका सेफ्टी प्रिकॉशन क्या है, देन कैलकुलेशन क्या है। और फिर उसके बाद आप लोग को कुछ समय के बाद आप लोग को वर्कशॉप में जाना होगा, वहां पर आप लोग को क्या करना होगा, प्रैक्टिकल करना होगा, खुद से करना होगा। तो देखिए ये नहीं होता है कि हार्ड होता है, ये मतलब कि सिंपली आप लोग अगर अच्छे से किए होंगे ITI तो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बता रहा था कि सभी विभाग अलग अलग तरीके से लेता है, कहीं कहीं पे थोड़ा टफली लेता है, कहीं कहीं पे थोड़ा मॉडरेट या कहीं कहीं पे इजी लेता है। जैसे कि इजी के मैंने बता ही दिया हूँ, जिस ट्रेड से रहिएगा उस ट्रेड से मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रीशियन से हो तो कोई टूल्स का नाम पूछ लेगा, कुछ 5-10 टूल्स रखा रहेगा, जैसे कि वोल्ट मीटर हो गया, एम्पियर मीटर हो गया, तो उस तरीके से रखा हुआ रहेगा, उसके बारे में पूछ लेगा नाम, उसके बाद उसका पूछ लेगा वर्किंग प्रोसीजर या आप लोग का उसका क्या यूज है, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। जैसे कहीं पे हार्ड दिया तो मैं बताया, जैसे कि पेपर पर पहले लिखना होता है, देन आप लोग को वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकल करना रहता है। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम कैंडिडेट इसमें क्वालिफाइंग कर जाते हैं। देखिए ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही रहता है, मेरिट लिस्ट आप लोग का रिटन टेस्ट पे ही मतलब आप लोग का बनता है, बस इसमें क्वालिफाइंग हो जाता है, क्वालिफाइंग करना रहता है, सिर्फ पास करना रहता है। देखिए ये इसीलिए लिया जाता है कि आप लोग अगर मान लेते हैं कि ITI लेवल पे वैकेंसी में जाइएगा तो आप लोग को टेक्नीशियन ही वर्क मिलेगा, तो आप लोग काम कर सकते हैं या नहीं इसीलिए लिया जाता है। अब ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस में बैठे रहना है, कंप्यूटर चलाना है, आप लोग को फील्ड में भी जाना पड़ सकता है, कुछ काम भी करना पड़ सकता है, इसीलिए लिया जाता है कि आप लोग काम करने में सक्षम है या नहीं, ठीक है, इसीलिए लिया जाता है। आप कुछ उसमें ये नहीं होता है कि आपको पोल पे चढ़ना है या ये करना है वो करना है, बेसिकली नॉर्मली प्रैक्टिकल होता है, तो उसमें मैक्सिमम कैंडिडेट क्वालिफाई कर जाते हैं। अब देखिए ये मतलब कि आप लोग जैसे कोई भी डिपार्टमेंट का आपका एग्जाम निकल जाता है, तो मान लेते हैं कि किन्हीं का कमजोर है तो आप लोग जाइए ITI कॉलेज में जाके अपना जो इंस्ट्रक्टर उससे बात कीजिए और उसको बोलिए कि ऐसा ऐसा बात है, आप कुछ प्रैक्टिकल जो इंपॉर्टेंट है 2 ईयर का ITI में उसका आप लोग मतलब कि एक रिविजन कर लीजिए, प्रैक्टिकल कर लीजिए अपने कॉलेज में जाके, इससे आप लोग का क्या होगा तैयारी हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोग को, आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग आसानी से क्रैक कर सकते हैं।
और बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग नाम दिया जाता है कहीं कहीं पे, तो इसे घबराना नहीं है कि यार यहाँ पे स्किल टेस्ट लिख रहा है तो कहीं पे ट्रेड टेस्ट लिख रहा है तो कहीं पे प्रैक्टिकल टेस्ट लिख रहा है, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब जैसे कि मैंने बताया था कि मेरा जो हुआ था मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो देखिए NPCL का वहाँ पे थोड़ा ईजी हुआ था, उतना हार्ड नहीं हुआ था। वहाँ पे रजिस्टेंस रखा हुआ था, वेरिएबल रजिस्टेंस, उसको मेजर करना था कि कितने ओम्स का है, और एक समथिंग कुछ कैपेसिटेंस था उसको मेजर करना था विद द हेल्प ऑफ मल्टीमीटर। तो वो भी आसान था, उतना हार्ड नहीं था, लेकिन पार्क वाले में थोड़ा हाई लेवल का था। वहाँ पे स्टार्टर दिया गया था, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाना था, और एक ज्वाइंट था, ज्वाइंट तो था आप लोगों का, कुछ ज्वाइंट था मुझे कंफर्म याद नहीं है। वहाँ पे पहले लिखना लिखना था, देन वर्कशॉप में जाके प्रैक्टिकल करना था, तो उसमें टाइमिंग दिया जाता है आप लोग को। अब देखिए कहीं कहीं पे जो हार्डली टफली आएगा तो कहीं कहीं पे दो या तीन प्रैक्टिकल पूछा जा सकता है, अगर नॉर्मली पूछता है तो टेबल्स पे, जैसे कि मैंने एग्जांपल के तौर पे बताया कि मान लेते हैं कि चौक ही रख देगा, चौक जो ट्यूबलाइट में यूज किया जाता है उसके बारे में पूछ सकता है, उसका नाम क्या है, वो कैसे बनाया जाता है, यह सभी पूछा जा सकता है। तो इससे आप लोग को घबराना नहीं है, जैसे कि मतलब कि आप लोग NPCL में भी होगा जो आप लोग का नरौरा साइड का है, तो इससे घबराना नहीं है। NPCL में तो लास्ट टाइम जो नरौरा का निकला था उसमें तो इजी ही पूछा था, टूल्स वगैरह का नाम दिखा करके पूछ लिया था और उसके बारे में पूछा था। तो आप लोग इसे बिल्कुल ना घबराएं, जो आप लोग का 2 ईयर का ITI जो इम्पोर्टेंट में जो प्रैक्टिकल्स है वो आप लोग जाके तैयारी कर सकते हैं कोई भी कॉलेज में जाके, और पूछ सकते हैं जो आप लोग का प्रोफेसर हो या इंस्ट्रक्टर हो उससे, उसके बारे में जान लीजिए कि कैसे कैसे इसका वर्क होता है, कैसे इसको कनेक्शन करते हैं, और जो भी एग्जामिनेशन निकल जाए उसका जाकर कुछ दिनों के लिए आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये था, आई होप आप लोगों को सारा चीज़ समझ में हो गया। कोई भी ये नहीं होना है कि यार सभी एडवर्टाइजमेंट में अलग अलग नाम लिख दिया तो ये अलग होता है, सभी एक ही होता है, कहीं पे हार्डली लिया जाता है कहीं कहीं पे इजी लिया जाता है। ये इससे घबराना नहीं है, मैक्सिमम कैंडिडेट पास कर जाते हैं, मैंने पहले ही रिपीट किया हूँ। बाद बाकी कोई भी और डाउट हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।